पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट क्लर्क परीक्षा की 2015 का क्वेश्चन पेपर, जो कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन क्लर्क या आपका विधानसभा में जो क्लर्क का वैकेंसी निकलता है, वो सभी क्लर्क के एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लर्क परीक्षा 2015 क्वेश्चन पेपर सेट जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अगर आप चैनल पर पहले बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी टाइप का मैं ओल्ड क्वेश्चन शीट आपके लिए ला सकूँ, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और क्वेश्चन के पैटर्न को आंकलन कर सकें कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड कहाँ से आ रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उत्पाद के साधनों का सामाजिक स्वामित्व किस की विशेषता है? तो उत्पादन के साधनों का सामाजिक का बात कर रहा, तो ऑब्वियसली समाजवादी अर्थव्यवस्था से बात होगा, जो कि सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट होगा। तो इसका आंसर जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था से है। अब आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर मतलब बोले तो डायरेक्ट टैक्स को अधिकतम शुद्ध राजस्व देता है। सरकार को शुद्ध राजस्व जो डायरेक्ट टैक्स सबसे अधिक बेनिफिट कहाँ से होता है, पैसा कहाँ से आता है, तो वह है कॉरपोरेट टैक्स से ये पैसा आता है। कॉरपोरेट कर भारत सरकार की आय का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत है। कॉरपोरेट कर एक प्रत्यक्ष कर है, जो कि किसी कॉरपोरेट इकाई की कुल आय या विदेशी या घरेलू मतलब एनुअल मतलब साल में जो भी उसका फाइनेंशियल में प्रॉफिट होगा, जो बिजनेस होगा, उसमें से ये कॉरपोरेट टैक्स जो है सरकार को पे करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य बैंक का कार्य नहीं है? जनता की जमा राशि प्राप्त करने के लिए, ज़रूरतमंद व्यक्तियों को ऋण प्रदान के लिए नहीं, विदेशी मुद्रा का संरक्षक के रूप में, विदेशी मुद्रा के संरक्षक के रूप में ये वाणिज्य कमर्शियल बैंक का काम नहीं है। स्वस्थ जनमत किसकी सफलता में योगदान देता है? स्वस्थ जनमत मतलब हेल्दी सिटीजन्स, वो है लोकतांत्रिक सरकार मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य कितने वर्ष में सेनावृत्ति हो जाते हैं? राज्यसभा के 1/3 जो है हर 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। राष्ट्रपति को की पद शपथ कौन दिलाता है? हम लोग ऑलरेडी जानते हैं राष्ट्रपति का पद जो है CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है दिलाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकसभा में सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है? सबसे अधिक जो है वो है यूपी में 80, उसके बाद महाराष्ट्र में आपका 48, पश्चिम बंगाल में 42 और बिहार में 40। पहला एंग्लो सिख युद्ध किस गवर्नर के कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय। अब आते हैं, भारत में पुर्तगालियों के लिए क्षेत्र बेस किसने बनाया? तो अल्बाकर्की ने। गोवा भारत एशियाई में पुर्तगालियों का पहला क्षेत्रीय अधिकार 1510 में अल्बाकर्की के द्वारा कब्जा कर लिया गया था और पुर्तगालियों ने गोवा के क्षेत्र को क्षेत्रीय बनाया, तो अल्बाकर्की के समय भारत में पुर्तगालियों का बेस बना। निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग अशोक ने प्रशासनिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए किया था? वो है प्राकृत। क्या है? प्राकृत। पृथ्वी ने अपने पक्ष पर घूमने की दर सबसे अधिक कब होती है? देखिए, धरती जो है अपने एक्सिस पे रोटेशन जो है अपने अनुसार करती है, कोई मतलब जो है सबसे अधिक रोटेशन तुरंत ये सब नहीं हो जाता है, तो प्रवृत्ति में से कोई नहीं, क्योंकि यह कभी नहीं बदलता। किस नदी को चीन का शोक के नाम से आता है? चीन का शोक जो है हुआंग रिवर को कहा जाता है, जैसे बिहार का जो है सौरो रिवर जो है कोसी है, उस टाइप से। यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, निम्नलिखित में से कौन सा रेशे वाली फसल काली मिट्टी में उगाई होती है? तो रेशे वाली जो है फसल मतलब काली मिट्टी को हम लोग जो बोलते हैं वो REGUR रेगुर्स वाली बोलते हैं, और कपास मतलब कॉटन होता है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र मतलब नहीं मतलब ये नेचर द्वारा बनाया हुआ, जंगल नेचर द्वारा है, दलदली भूमि नेचर द्वारा है, घास का मैदान भी प्रकृति द्वारा है, लेकिन मछलीघर ये मैनमेड है, ह्यूमन द्वारा, मानव द्वारा। अपने क्रिया के बाद शरीर का हार्मोन्स क्या होता है? अपने क्रिया मतलब काम के बाद शरीर का हार्मोन्स क्या होता है? नष्ट हो जाता है, फिर वो रिपेयर होगा, फिर आपके लिए अब जब काम करेंगे तो यूज़ होगा। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है? प्रकाश का वेग जो है शीशा में सबसे कम होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.5 है। इससे पहले कि कोई इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सके, कंप्यूटर को एक हार्डवेयर डिवाइस से ले जाता है। वो जानते हैं पहले कंप्यूटर था, कंप्यूटर पहले हम लोग मोडेम लगाते थे, सिम लगता था, उसके बाद ही वो इंटरनेट से कनेक्ट होता था, जिसको मोडेम का फुल फॉर्म भी है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ जो है सॉलिड CO2 है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड।
सड़े हुए अंडे जैसे गंद वाले, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम लोग सल्फाइड, क्या बोलते हैं, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, सीवर गैस, दुदली गैस में एक रंगीन गैस होते हैं, रंगहीन मतलब कोई उनका कलरलेस गैस, जो कम आर्द्रता में तीखी सड़े हुए अंडे की गंध के लिए जानी जाती है, या अत्यधिक ज्वलनशील और अत्यधिक विषैला होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड स्वाभाविक रूप से तो सीवरो मतलब नालों में, खाद के गड्ढों में, कुएं के पानी में और तेल गैस के कुएं में होता है। जैसे आप देख सकते हैं कई बार नाली साफ करने वाले व्यक्ति के कभी कभार उसमें जाने से अचानक से मृत्यु हो जाती है। तो ये क्यों, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उसके अंदर रहता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, वो है HDR 2014 ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, जिसमें भारत का जो वर्ल्ड रैंकिंग था वो 135 था। न्यायमूर्ति JS कर्मा कमेटी को रिपोर्ट 2013 संबंधित है, वो क्या चीज़ संबंधित है, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के संबंध में, कौन सा, JS वर्मा कमेटी, न्यायमूर्ति JS वर्मा कमेटी 2013 का संबंध महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को संबंध कानून से परिवर्तन से है। इनमें से किसको 2014 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, वो है पैट्रिक मोडियानो को। दुरंद कप किससे रिलेटेड है, ये हमेशा आता है, दुरंद कप जो हमेशा याद रखें, दुरंद कप पहले भी आ चुका है दरोगा के एग्जाम में, वो है फुटबॉल से। कोयला काला हीरा है तो पेट्रोलियम क्या है, द्रव्य सोना है, क्या है, द्रव्य सोना, लिक्विड गोल्ड। दिल्ली की सल्तनत की सबसे पहली महिला राज्यकर्ता कौन थी, वो थी रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता रजिया थी। रजिया सुल्तान ने 1236-1240 में दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। रजिया सुल्तान इल्तमस की पुत्री थी। 1930 में बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद ने किया था। ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की वसना की थी, वो थे दादा भाई नरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत पर व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं, वो समान स्तर मतलब हाईकोर्ट तक कर सकते हैं, उच्च स्तरीय पर भी कर सकते हैं और किसी अन्य न्यायालय में भी। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 की आयु तक सर्वोच्च रहते हैं, 65 एज जो है मैक्सिमम है। अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखते हैं, इसमें 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 21, 7 का 49, यहाँ पे 12 चौका 48, 16 चौका 64, तो 15 चौका 60, सिंपल सा है। चिन्ह एवं संख्याओं में चार में से कौन सा इंटरचेंज समीकरण, तो इंटरचेंज समीकरण जो आंसर ए होगा, आंसर ए, इसका प्रोसेस बताइए आप लोग। एक संख्या में उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 तीन संख्या ज्ञात करें, 17/16 मतलब 4 4 16 16 + 1 17 17/4, ये आंसर होगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, एफ जे ए एस से एफ कितना दूरी पे, एफ से जे कितने दूरी पे, उसी टाइप से ये और ये का दोनों का डिफरेंस वॉच करेंगे और सेम डिफरेंस वॉच करने पे PIM आएगा इसका आंसर। अगला जो है 5 11 107 फिर द ब्लैंक्स 2 6 5 7, तो इसका जो है गुने 5 किया 25 - 3, गुने 25 - 3 गुने 25, तो इसी टाइप से आंसर जो होगा 532 होगा इसका। 44 38 35 37 48 36 135, संख्या में गलत पद संख्या, इसमें जो गलत संख्या उसको ज्ञात कीजिए, गलत संख्या जो है वह है 37। ये मैथ्स का आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, काफ़ी आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। यह मिलिट्री को 1 2 ऐसे लिखा हुआ है, तो लिमिट को कैसे लिखा जाएगा, सेम जो एल का वैल्यू इसमें है, आई का वैल्यू जो है इसमें उठा के सेमेटिज लिख देंगे तो 3 2 1 2 4 आएगा। यदि 1986 को यह है 1986 और 2 3 4 5, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ट्रायंगल कितना है 8 है, ये वाला बड़ा ये वाला चिन्ह जो है वो है 6 है, तो इसी टाइप से मिला के ये आंसर आएगा। तरुण रोहित का पिता है, रोहित कला का भाई है, कला दिलीप दिलीप की पत्नी है, तो दिलीप और रोहित से किस प्रकार संबंधित है, ओबियसली जो है ब्रदर इन लॉ, जीजा के तौर पर आएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में से 9 के पहले या तो 6 हो या तो 1 हो, तो 9 के पहले 6 यहाँ पे एक आ रहा है, 1 हो गया 9, 9 के पहले 6 यहाँ पे नहीं है, 9 के पहले 6 यहाँ पे है, 2 हो गया,
दो और नौ के पहले बाद में एक, यहाँ पे टोटल तीन हो गया, टोटल ये तीन आंसर होंगे। समीकरण को सुनिश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया जाता है, उसी आधार पर अनसुलझे समीकरण के लिए सही उत्तर ज्ञात कीजिए। 269, 568, तो 145 हो जाएगा उल्टा से। सिंपल सा आसान क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है। निम्नलिखित आरेख में आयात अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ने वाले हैं, सिंपल सा फाइंड आउट क्या करना है, कौन सा क्षेत्र गैर शहरी लोगों को प्रतिनिधित्व करता है जो अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, ये आपका इंग्लिश का है, ये अर्बन का है, ये कन्नड़ का है। तो इंग्लिश का पूछ रहा है तो इंग्लिश का ऑलरेडी अर्बन में ये सब आ जाएगा, तो अर्बन काउंट नहीं करना, नन अर्बन बोला है, तो इंग्लिश में सिर्फ एम आ जाएगा, तो एम आंसर होगा। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/4 अपने भाग में पुत्री को देता है, 1/2 भाग में पुत्र को, और 1/5 धार्मिक कार्य हेतु देता है, तो उनके द्वारा कितना हिस्सा गया, सबको सिंपल सा जोड़ देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जोड़ने पर 19/1 आएगा, तो ये आंसर रहा आपका। यदि पी क्यू आर गुरुत्व श्रेणी में है तो निम्न में से कौन सा सत्य है, इसका आंसर क्यू इक्वल टू रूट पी आर, ये आपका आंसर है। ए और बी का महत्तम समावर्तक 12 है और ए एंड बी का धनात्मक पूर्णांक है, और ए इतना है, निम्न में से ए बी का सबसे छोटा मान क्या होगा, तो ये प्रोसेस है, सी एफ निकाल लेंगे तो इसका 12, इसमें भी सेम 36 और इसका 12, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो है डी, 36 और 24। ए और बी किसी कार्य को अलग अलग 6 और 12 दिन में करते हैं, तो यदि वो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन में काम होगा, तो 1+6+1+12 सॉल्व कर ही पाएगा, 1/4, तो 4 ये दिन में ये कंप्लीट कर लेगा। किसी टेप रिकॉर्डर का निर्माण 1500 है, निर्माण कीमत कॉस्ट प्राइस 1500 है, निर्माणकर्ता द्वारा 20% ज़्यादा मूल्य अंकित किया जाता है, 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्माता को कितना 8% छूट देना चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस इतना है, मार्केट प्राइस हम लोग 1500, कॉस्ट प्राइस इतना है 1500, तो मार्केट प्राइस निकाल लेंगे 1800, 20% जो है इसका जोड़ के निकाल लेंगे तो 1800 आ जाएगा, उसका सॉल्व करके तो आंसर होगा 10%। किसी आयत की लंबाई और परिधि का अनुपात 5:18 है, तब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, तो सिंपल सा लंबाई हमको दिया होता 5x और इसका जो है पेरीमीटर दिया था 18x, लेकिन ये जो है ब्रेथ नहीं दिया हुआ था, तो इसका चारों भाग जोड़ेंगे 5x+5x+yy+18x, x पे सॉल्व करने पर 1/4 आएगा, और x का वैल्यू पुट करेंगे तो 5x × 1 = 5 और 5/4 जो इसका आंसर है। किसी परिवार का पहले 3 महीने का औसत मासिक खर्च 2200 रुपये है, अगले 4 महीने में 2250 रुपये, अंतिम 5 महीने में 3200 रुपये, यदि दिए गए वर्षों के दौरान कुल बचत 1260 रुपये है, तो अब औसत मासिक आय क्या होगा, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखिए इसको सॉल्व बताइए। इस टाइप से 50 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन, 52, 53, 54, ये काफ़ी सब आसान है, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, 55 नंबर भी, 56, अब 57, उसी तरह से 58, ये सब आसान क्वेश्चन है, 60 भी आसान है, मैथ का जो क्वेश्चन है आसान है। बातें हैं हिंदी पे, वर्तनी अनुसार शुद्ध शब्द को चयन कीजिए, पूजनीय इस प्रकार होगा, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं, वर्तनी के अनुसार शब्द को शुद्ध कीजिए तो इसका पुरस्कार होगा, सजावट शब्द का प्रत्यय क्या होगा, आवट, लड़का पेड़ से गिरा, इसका उपयोग कारक क्या होगा, पेड़ से लड़का कहाँ से गिरा, पेड़ से, तो अपदान है ये। चौराहे में कौन सा समास है, चौराहा में चौ लगा हुआ, मतलब ऐसा समास जो नंबर को दर्शाए, तो वो दीर्घ समास है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द होगा तने, लेकिन कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द, वो है सलील, जिसकी मति झट सोचने वाली हो वो है प्रत्युपनपंक्ति। निर्गुण का संधि उच्छेद क्या है, निजो गुण। निम्नलिखित शब्दों में से विकल्प में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, वो है कलश। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप से कीजिए, इसका आंसर है हमारी आयुष्मती कन्या को विवाह होने जा रहा है। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद मतलब भानु जो उदय हो जाएगा, भानुदय। निम्नलिखित कारणों से शुद्ध कीजिए, तो शुद्ध इसमें जो है आपका डी नंबर, हमारी यहाँ नवयुवकों को शिक्षा का उत्तम प्रदान है। धन का पर्यायवाची शब्द है द्रव्य, ये पैसेज है, पैसेज का आपका राइटिंग है, इसमें पैसेज में से पढ़िएगा, लेखक कथन आरंभिक स्तर का समानता होने के लिए भित्री तत्व क्या है, इसका आंसर यहाँ पे है कठिनाइयों में कौशल और जानकारियों का प्रयोग आवश्यकता है। उसके बाद है निष्क्रिय का शब्द क्या होगा, ऑब्वियसली सक्रिय होगा, अन्य व्यक्तियों को मानसिक तरंग को परिवर्तन करना, मतलब अपनी शुभ और पवित्र को करना, यहाँ पर आंसर दिया हुआ इसका। जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की शिकायत नहीं करते, मतलब सुखों के साथ दुख भी आते हैं, ये सिंपल से कहने का मतलब है उसका। किनका जीवन अभिशाप बन जाता है, जो अपनी अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार नहीं रहता, मतलब जो वो किसी काम को करना नहीं चाहता है, घटना से कोई विपत्ति आती तो डर जाता है। आए थे हरि भजन को ओटल लगे कपास, मतलब मुहावरे का अर्थ किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। वाक्य और उसके भेद संबंधित कौन सा जुड़ा गलत है, लक्ष्मी गई सोफिया आ गई, सरल वाक्य गलत है। वाक्यांश के लिए शब्द में
कौन सा जोड़ा गलत है, जो कम खर्च करने वाला हो अपव्यय, कम खर्च करने वाला जो होता है उसे मितव्ययी बोलते हैं, अपव्ययी नहीं बोलते हैं। चिरंतन का विलोम शब्द क्या है, वो है नास्वर। अब आते किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, बहुविधि में कोई पद प्रधान नहीं होता, बहुविधि में भगवान के नाम से रिलेटेड जितने अजीब वर्ड हैं वो सब आते हैं। अत्याचार शब्द का उपसर्ग क्या है, अत्याचार में उपसर्ग है अति, उसमें वर्ण क्या है, स स स। मेढा का तत्सम शब्द क्या है, मंडुकू। दिग्गज का संधि क्या है, दिक जो गज। गुप्त का विलोम शब्द क्या है, प्रकट होना। द चेयरमैन आई विल हैव टू पुट ऑफ यहाँ पे यूज होगा। द कैट एंड डॉग हैव ए कॉमन इनमी इन दैट रैट। ही टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश्ड वॉचिंग मूवी, पास्ट टेंस है। ही इज़ वेरी गुड एट मेकिंग स्टोरीज। आई डू माई वर्क टू केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स। अब आते हैं प्लॉजिबल का उल्टा क्या होगा, इम्प्लॉजिबल होगा। फर्टिलिटी का उल्टा स्ट्रेंथ होगा, फर्टिलिटी मतलब होता है निर्बलता, तो उसका क्या अपोजिट होगा, स्ट्रेंथ मतलब ताकतवर। प्लॉजिबल मतलब दूसरे तरह से होता है स्वीकार्य, इसका मीनिंग क्या होगा उल्टा, डाउटफुल। बुरिश मतलब होता है, जुनाइल का मीनिंग है सव्य शिष्ट, बुरिश का मीनिंग क्या है असिस्ट। प्रिवेंट मतलब दूर रखना, इंड्यूस मतलब भड़काऊ उकसाना, डेमोलिश मतलब तोड़ना, उसका उल्टा क्या होगा, बिल्ड बनाना। अब इसमें इधर फाइंड आउट करना, रमेश सीनियर टू सैम इन कॉलेज, रमेश सीनियर टू कॉलेज, डी जो है गलत है, क्यों कैसे है, इसमें कोई इरर नहीं है। सपोज इफ़ इट रेंस व्हाट शैल वी डू, सपोज इफ़ इट रेंस, यहाँ जो आंसर जो गलत है, सपोज सपोज ए नंबर जो गलत है। द कैपिटल ऑफ यमेन इज सिचुएटिंग मैटर्स, और सिचुएटिंग जो वर्ड है ये गलत है आपका, बी नंबर। इट वॉज हिम हु केम रनिंग, इट वॉज हिम केम जो वर्ड यहाँ पे गलत है, तो बी गलत है यहाँ पे। 105 में बात करेंगे, 113 क्वेश्चन, 105 में बात करेंगे। द कैप्टन एंड लॉन्ग विद द टीम आर प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिसिंग कमिंग में प्रैक्टिसिंग नहीं होगा यहाँ पे, ये गलत है। द साल्ट स्प्रे, द साल्ट हैज ग्रेजुअली इरोडेड द ब्रिज, इरोडेड मतलब खा जाना, काट देना। इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट बैलेंस डाइट फूड। हेल्थ इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू बी नेगलेक्टेड, हेल्थ को इग्नोर नहीं किया सकता। माई फादर कीप्स ऑल हीज कॉन्फिडेंशियल पेपर्स इन लॉक एंड की, कॉन्फिडेंशियल पेपर्स जो है लॉक में रहते हैं। योर केस इज सो यूनिक डेट आई एम नॉट गेटिंग एनी प्रेसिडेंट सपोर्ट, प्रेसिडेंट मतलब नमूना मिसाल उदाहरण। इवन ए कर्सरी ग्लैंस विल रिवील द मिस्ट्री, कर्सरी मतलब एक सरसरी शीघ्रता। ही वैग डायरेक्शन मिट्टी, वैग मतलब अज्ञात डायरेक्शन, धुंधला संदिग्ध, गलत डायरेक्शन में ले गया। सेफर वाइल लुकिंग आफ्टर द शिप के आगे हमेशा फ्लॉक लगता है, फ्लॉक ऑफ शिप। ओनली वर्चुअस पीपल आर रिमेंबर्ड आफ्टर डेथ, वर्चुअस मतलब धार्मिक। द पंच मेड द बॉक्सर विंस द पेन, विंस मतलब दर्द कराना। आई कैन नॉट प्रिटेंड टू नो अबाउट, प्रिटेंड मतलब जानने का मतलब बहाना करना। द पुलिस जो है डिस्पर्स द मॉब, मॉब के लिए क्या वो यूज वर्ड होगा, डिस्पर्स्ड। ही इज़ लाइक ए बॉडी विदाउट अ सोल एंड आई विदाउट लाइट और फ्लावर विदाउट, बॉडी का तुलना सोल से किया है, आत्मा से, तो फूल का क्या खुशबू से होगा, फ्रेगरेंस है। और सच ए प्रिटी गर्ल हुम हैज सी टेकन आफ्टर, टेकन आफ्टर वर्ड यूज होगा यहाँ पे। द काउंटर क्लर्क वॉज वेरी बिजी एंड डिड नॉट पे अटेंशन टू समीर रिक्वेस्ट, ये आपका रहा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये PDF पाने के लिए आप नीचे कमेंट करें, जो छात्र कमेंट करेंगे उन्हीं को ये PDF प्रोवाइड किया जाएगा। और आते हैं थोड़ा मैथ का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, मैथ तो क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे ये 58वां क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी सी डी के वित्तीय केंद्र के ऊपरी दिशाओं पर दो समांतर जीवाएं हैं, ए बी या सी डी है। ए बी 10 दिया हुआ है, सी डी 24 दिया हुआ है। ए बी जो है, ए बी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, सी डी 24 है। यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी डी दिया हुआ है, ए बी सी डी। और वृत्त की त्रिज्या संख्या, त्रिज्या संख्या मतलब ये वाला, वो 13 सेंटीमीटर दिया होता है जीवाओं के बीच की दूरी। ये डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। 13-24 दिया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के ये निकाल लेंगे सेम। और 13 और 5 ये दिया हुआ है, ये दोनों से पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लेंगे, दोनों के अंत में जोड़ देंगे, ये आपका 17 सेंटीमीटर आएगा। आसान है क्वेश्चन, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है इसमें आपको। अब इसी में आते हैं किसी त्रिभुज, त्रिभुज का जो है मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बात कर रहा है, 6√3 है त्रिभुज का, मेरे पेरीमीटर क्या होगा। तो हम जानते हैं पेरीमीटर के लिए पहले साइड √3/2 ए का वैल्यू दिया 6/√3, ठीक है, इसको 6/√3 को पुट करेंगे तो ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आएगा।
और 12 को पेरीमीटर हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3 बाई साइड होता है, 3 × 12 36 सेंटीमीटर। कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है मैथ के, लेकिन ये मैं जानू छुड़ा हूँ क्या था आप लोग सॉल्व कर सकें। चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको वीडियो चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करें, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।